टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 5 में एक महिला के साथ बलात्कार का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी के कोयला डिपो इलाके की रहने वाली 19 वर्षीय एक महिला के साथ चंद बदमाशों ने बदसलूकी की और उनके मुंह पर कपड़ा बांध कर जंगल में ले जाकर उन्हें अपने हवस का शिकार बनाया। लड़की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी घर के बाहर बैठी मोबाइल चला रही थी, उसी वक्त चार बदमाश आए और उसके मुंह पर कपड़ा बांध कर जंगल के तरफ ले गए और उन्हें अपने हवस का शिकार बनाया। इस सिलसिले में हमने वार्ड नंबर 5 के काउंसलर विष्णु सिंह से भी बात करने की कोशिश की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। लड़की तो यहाँ बैठा उठा के चार गो लड़का बांध के गो मार में सब लेके तब बड़ा गया तब सब एगो तब आई लेके गया आई तो बड़ा आई लड़की का तो बड़ा पूरा बड़ा कर दिया तब वहाँ तब बस वह बात उठा के फिर सब उठा के बड़ा सबुआ हमारे तब गो गिर गया तब यहाँ तब उठा के वो करा माँ गो तब उठा के तब बड़ा लिया कर यहाँ तब घर में तब सुताया और फिर ओके तब हम गौ भोरे फिर ओके बोला ठीक है तब हई हई थाना लगा तब वहाँ पर चलिए हुआ तब बात हुआ तो होगा तब थाना वो सब कोई वहाँ हो गया तब वह सब बड़ा लिखा दिया था वहाँ तक होगा। ये जो लड़का लोग किया है उसमें कौन कौन सा था विशाल भैया क्या क्या कौन सा सा देखिए बात सुनिए हम को तब मालूम ने थाने में सब हुआ फिर लिखा हुआ सब एगो तक चार गो लड़का का नाम हुआ खाली हमारा को लड़की हमारा हुआ लिखा दिया नाम हो जाता मुंह बांध कर मुंह पूरा वाला बांध के मार दूसरा बड़ा ले गया बस हम कहली बाबू देखा नहीं है पहले तब कोई के थाना में सब कोई के हमारा लड़की के नाम है भाई हम आई हमारा को इज्जत पूरा बड़ा लूट लिया पूरा तब ठीक है यह बात तब बस ये बहुत ही गंदा एक घटना हुआ है जिसको बताना ही मैं खराबी लग रहा है कि कैसा एक इंसिडेंट हुआ है और एक कोयला डिपो में इससे पहले भी हमको खबर आया था जो तो हम जब से यहाँ पर काउंसलर हुए तब से कुछ एक्टिविटीज सब बंद कर दिए हैं किसी को एंट्री करने देते नहीं है मगर ये कैसा एक्ट हुआ इसके लेकर हम प्रशासन से भी बात हुआ है प्रशासन अपना काम कर रहा है देखते हैं जो भी दोषी है उसको सजा मिल रही है फैमिली के जो गार्जियन है लड़की का वो लोग अपना कंप्लेन किया है पुलिस अपना काम कर रही है और जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगा ये मेरा वक्तव्य है और आगे जैसे भी हो फैमिली के साथ हमको रहना है उसको इस तरीके से सब कुछ तरीके से सुविधा देना है तो सही होगी उसी प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग सोच रहे एक फर्निश प्रोग्राम वगैरह कराएंगे वहाँ पर और आरोपी हैं वहाँ पर के पब्लिक और साधारण आदमी लोग के लिए हम लोग हमेशा रहेंगे और प्रशासन भी रहेंगे करने का बात नहीं है कि रात का अंधेरा में आकर कुछ भी करके चला जाएगा तो इसका मतलब वो कोई ऐसा नहीं है और हम हैं हमारा चेयरमैन है हमारा MLA है हमारा सरकार इन लोगों के साथ में है कोई सुविधा नहीं है। अरे रेट नहीं की मीडिया बयान दे जाने की ये सोए जो पुलिस को लोगों का